हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज जा रहे हैं मूवी देखने, दृश्यम 2। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड एकदम तैयार है, हस्बैंड हैं और वो रेडी हो चुके हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ दोनों बच्चे लड़ रहे हैं कि कौन पहले बैठेगा। तो हम लोगों का काफ़ी टाइम से प्रोग्राम बन रहा था दृश्यम 2 देखने का, और यहाँ पर दोनों आप लोगों को हेलो बोलेगी, ये मेरे हर ब्लॉग में हेलो जरूर बोलती है। तो हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल, और ये मेरे घर से सिर्फ है 5 मिनट की दूरी पर। और जहाँ जाने के लिए मुझे पूरे 1 मंथ लग गए, क्यों जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से हम यहाँ नहीं गए। बट जब हम दिल्ली रहते थे ना, तो हम मतलब आई थिंक हर 1 या 2 महीने में हमारा 1 विजिट यहाँ का हो ही जाता था। तो डोडो बड़ी खुश है। अब डोडो आपको गाना सुनाने वाली है। तो डोडो की कोयल जैसी आवाज़ से आपने सॉन्ग सुनी लिया है। कुछ हो सकता है वर्डिंग में गड़बड़ी हो, लेकिन चलता है यार, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम आ गए हैं ऊपर, और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? फूड कोर्ट में। तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर जब आए हैं तो लंच करके क्या आए, तो हम लोगों ने सोचा छोटा सा कुछ खाया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करे थे। तो फूड कोर्ट जो है यहाँ का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। तो बस नेक्स्ट वाले व्लॉग में है ना, मैं आपको दिखाऊंगी पैसिफिक मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों के लिए स्पेशल एक्टिविटी, और जहाँ पर बच्चे बहुत बहुत मज़े करते हैं। और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना पैसिफिक मॉल में चेंज हो चुकी है, नहीं थी वो हो गई है। जैसे आइसलैंड है बच्चों के लिए यहाँ पर, और नीचे काफ़ी सारे स्विंग्स वगैरह भी हैं, तो वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगी। और ये वाला जो कॉर्नर था ना ऊपर, ये बना नहीं था पहले, और अभी ही कुछ टाइम पहले मुझे लगता है डेवलप हुआ है, एटलीस्ट इन 8 मंथ में, क्योंकि हम नहीं आए इन 8 मंथ में। अच्छा, बेस्ट क्या था ना कि आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका ऑर्डर जो है आपकी टेबल पर ही आ जाएगा, और पेमेंट भी यहीं से स्कैनर कर हो जाएगी टेबल से। तो जब तक ऑर्डर आ रहा है तब तक डोडो के साथ चलते हैं किड सेक्शन में। तो यहाँ पर डोडो जो है वो पूरा प्लान कर रही है कि नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो क्या क्या करेंगे। आज तो सिर्फ हम मूवी देखने आए हैं, और मूवी का टाइम जो था हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे। तो हम लोगों ने कुछ चुटपुटर खाकर फटाफट से आ गए हैं यहाँ पर मूवी मैक्स में। और यहाँ मैं आपको मेन्यू दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या मिलता है, पॉपकॉर्न और पेप्सी। बच्चे जो है उनका तो ऑल टाइम यही फेवरेट रहता है कि अगर मूवी देखनी है तो ये चीज़ तो है ही है। तो बस हम लोगों ने सोचा पहले हम बच्चों को बिठा देते हैं, उसके बाद हम दोबारा आएंगे कुछ लेने के लिए। तो ये है हमारी पूरी पैकेट पॉपकॉर्न की। और हम लोगों ने अबकी बार क्या किया, मूवी स्टार्टिंग में ही ले लिया, इंटरवल का वेट नहीं किया, और हस्बैंड कर रहे थे मजाक। तो बस उसके बाद हम लोगों ने देखी मूवी, और हम आ गए हैं बाहर। बाहर आने के बाद डोडो को चाहिए थे झूले, और उसके बिना डोडो का काम जमता नहीं है। पहले तो पता है पीहू को भी यही चाहिए होता था, बट अब पीहू थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो वो मान जाती है, और मान क्या जाती है, वो खुद ही बोलती है कि मम्मा नहीं, ये छोटे बच्चों के झूले हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ डोडो को हम सिलेक्ट करा रहे हैं ये वाला या ये वाला, लेकिन डोडो को चाहिए क्या, बंजी जंपिंग। ये मतलब क्या यार, ठीक है बच्चे इसमें खुश रहते हैं तो ठीक है। अच्छा मैं आपको एक लड़का दिखाती हूँ, मतलब पूरा अपने मम्मी पापा को धमकी दे रहा था कि मेरे को उतारो, इसको रोको, वरना तो मैं घर पे जाके दादू को बता दूंगा। ब्लैकमेल कर रहा है ये बच्चा कि रोक दो वरना मैं घर जाके दादू को बता दूंगा। रुक गया।
तो यहाँ जब तक डोडो की टर्न आती है तब तक मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी और मुझे दिखाई दी क्या कॉफ़ी, मतलब बाहर जाने के बाद अगर मुझे कॉफ़ी मिल जाती है ना तो मैं रुकती नहीं हूँ, फटाफट से ले लेती हूँ। और कॉफ़ी लेते ही मैं इतनी खुश हो गई और मैं सीधा हस्बैंड के पास गई, देखो मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई, पति के लिए कॉफ़ी, बहुत को पी जाता हूँ। और एक्सपीरियंस मैं तो सोचूं पता नहीं क्या करती है, ऐसे करके क्या दिखा रही है। तो यहाँ हमारे चल रहे थे मजान और यहाँ आ गई थी मैं डोडो की टर्न। तो यहाँ पे नंबर मिले हुए थे सबको, तो डोडो को था 33 27 से 33 तक हमें करना पड़ा वेट। और ये देखो डोडो को अच्छे से बेल्ट में फिट कर देंगे और वो बहुत एक्साइटेड है जंप करने के लिए। यहाँ इस पे तो मत लड़ यार उससे यार, उसको एंजॉय करने दे। तो यहाँ मेरे जो हस्बैंड है डोडो से दृश्यम 2 मूवी की बात कर रहे हैं ताकि उसको डर ना लगे। डोडो 2 अक्टूबर को खासे 2-3 अक्टूबर को खासे कैसे लगी दृश्यम 2? अमेजिंग स्टार्टिंग से या इंटरवल के बाद से? जिनको समझ में नहीं आई उन्हें इंटरवल के बाद से अच्छी लगी, जिन्हें समझ में आ रही थी उन्हें स्टार्टिंग से अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल मम फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का एग्जाम्पल मम। मुझे दृश्यम 2 बहुत अच्छी लगी लेकिन इंटरवल के बाद से, इंटरवल तक तो बहुत ही सुस्त जा रही थी, सोची हुई थी, मुझे लगा बेकार है, पार्ट 1 ही ज्यादा अच्छा था। बट इंटरवल के बाद से बहुत अच्छी स्टोरी थी, मजा आ गया क्लाइमेक्स पे, मेन क्लाइमेक्स पे अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।